वेलकम बैक टू माई चैनल बेनीज वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से कहा था कि आने वाला ब्लॉग COVID-19 के ऊपर से रहेगा, कोरोना के ऊपर से, तो आज मैं उसी के बारे में बात करने के लिए आई हूँ। वैसे तो हम कोरोना को हमारे देश में आए हुए 1 साल से ऊपर हो गया है, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है कि ये 2020 मार्च से फरवरी में आ गया था, मगर ये ज़्यादा बड़े फॉर्म में ये हमारे हम लोगों के बीच में मार्च से एक्टिव हुआ ये वायरस। तो इतने लंबे समय में हम लोग काफ़ी कुछ अच्छे से जान गए हैं कि इस कोरोना से किस तरीके से बचना है, क्या क्या उपाय करना है और क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, बहुत ही शॉर्ट वीडियो, और जो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखें और मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो आप लोगों से के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। कोरोना से मैंने खुद को, अपने परिवार के लोगों को और अपने लोगों को, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये 60+ सीनियर सिटीजन्स और छोटे बच्चों, जो 10 साल से छोटे बच्चे हैं, उनको ज़्यादा ये इफ़ेक्ट कर रहा है। तो हमें इन लोगों को ज़्यादा इन लोगों के लिए ज़्यादा प्रिकॉशन लेना है, इन लोगों को ज़्यादा संभाल के रखना है, इन लोगों को घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलना है। मगर मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जिन लोगों को, जो इसे 10 साल से बड़े बच्चे हैं या 10 साल से बड़े जो लोग हैं या 60 साल से कम के उम्र के जो लोग हैं, उनको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इन दिनों में हम ये बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि छोटे बच्चों से लेकर बड़े और टीनेजर्स, जवान, यंग यंगस्टर्स, सबको कोरोना हो रहा है और कोई भी सेफ नहीं है। अगर आप प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं और अगर आप मास्क नहीं लगा रहे हैं, सैनिटाइजर यूज़ नहीं कर रहे हैं, समय समय पे हैंड वॉश नहीं कर रहे हैं, बाहर जाने से आप डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको कोरोना हो सकता है। इससे बचने के लिए हमें सिर्फ यही करना है कि हमें मास्क लगाना है कहीं भी बाहर जाने। जो मैं करती हूँ, मैं वो चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि देखिए कई लोग हैं जो अलग अलग बातें बोलते हैं, मगर हम जो खुद से समझ पाए हैं अब तक, और जिस वजह से हम अब तक सेफ हैं और ऊपर वाले की कृपा रही, तो हम आगे भी सेफ रहेंगे। और इस बात के लिए मैं ऊपर वाले का बहुत ही शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं और आप लोग भी सेफ हैं। कहीं भी बाहर जाने से या मैं मार्केट जाती हूँ तो मैं मास्क जरूर लगाती हूँ, एक सैनिटाइज़र की छोटी बॉटल मैं ज़रूर अपने पर्स में या अपनी गाड़ी में ज़रूर रखती हूँ, ताकि मैं कहीं पर कोई भी सामान अगर लेती हूँ तो मैं उसके बाद में मैं अपने हैंड सैनिटाइज ज़रूर करूँ। तो आप भी इसी तरीके से अपना ध्यान रखें। और जब मैं मार्केट से जो घर आती हूँ, तो मैं इस बात का बहुत ध्यान रखती हूँ कि मैं घर के अंदर घुसने से पहले अपने गेट को छूने से पहले मैं अपने हैंड सैनिटाइज करती हूँ, जो मेरे पास रहता है सैनिटाइज़र, जो मैं छोटी बॉटल अपने पास में रखती हूँ, तो सबसे पहले तो मैं उसे अपने हैंड सैनिटाइज करती हूँ, अपनी गाड़ी के हैंडल्स, जिन जिन चीज़ों को मैंने छुआ है या मैं छू रही हूँ, और घर घुसने से पहले जिन चीज़ों को मैं छूँगी, तो खास करके जो फ्रंट का गेट होता है उसे मैं सैनिटाइज करती हूँ। अपने हैंड सैनिटाइज करने के बाद में जब मैं उसे पकड़ती हूँ तो उसे भी सैनिटाइज कर देती हूँ। उसके बाद मैं घर के अंदर आती हूँ और अपने हैंड वॉश करती हूँ, पैर और फेस वॉश करती हूँ, और सबसे पहले तो मैं अपने कपड़े, जो ड्रेस वेयर किया हुआ है, उसे आप निकाल के आप उसे धोने के लिए इमीडिएटली तुरंत आप उसे धोने के लिए बकेट में डाल दीजिए सर्फ के पानी में, और उसके बाद में आप ड्रेस चेंज कर लीजिए या तो अपना नहा लीजिए। अब
हमारे घर में छोटी बेबी है, तो इसलिए मुझे प्रिकॉशन ज़्यादा लेनी पड़ती है। और ऐसा नहीं है कि इस बीच में जब हमें प्रिकॉशन लेना था, जब हमें पता चला कि कोरोना बहुत ज़्यादा स्पीडली रफ्तार के साथ बढ़ रहा है, बहुत लोगों को हो रहा है, तब हमने बहुत प्रिकॉशन लिया। हम घर से बाहर नहीं निकलते थे, हम घर में रहते थे। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर किसी बात की गाइडलाइन अगर जारी की है, तो आपको स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना चाहिए, अपने बच्चों को भी उसको फॉलो करवाना चाहिए, अपने आसपास के लोगों में भी उस चीज़ की अवेयरनेस फैलानी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेफ रहेंगे तो हम भी सेफ रहेंगे। जब मैं अपने मायके आई थी, तब ऐसा लग रहा था कि कोरोना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल बहुत कम ही केस आ रहे थे, और चाहे यहाँ हो मायके में या ससुराल में या हर जगह ऑल ओवर इंडिया बहुत कम केसेस हर जगह हो गए थे, एक्टिव केसेस। और मगर अभी देखिए, मुझे आया हुआ यहाँ एक महीना भी नहीं हुआ, और देखिए कि कोरोना की क्या हालत है। तो देखिए, हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट को दोषी डोज देना लोगों की भी गलती है कि लोग स्ट्रिक्टली रूल्स को, गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं। मैंने भी देखा है कि लोग मास्क नहीं लगाते हैं, भीड़ लगाते हैं, ग्रुप बना के खड़े होते हैं, खा रहे हैं। आप बिल्कुल होंगे, बाहर का खाइए, आप इंजॉय करिए। आप किसी की भी लाइफ मेरी, आपकी किसी की भी लाइफ इस कोरोना की वजह से रुकती नहीं है, क्योंकि हर किसी को काम करना है, कमाएंगे तभी खाएंगे। तो इसीलिए मैं बस आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग अगर ऐसे लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, या आपके घर में भी ऐसे बच्चे या बड़े कोई हैं, तो आप भी उनको जरूर समझाएं कि कोरोना से बचने का एक ही उपाय है, और वो है कि सैनिटाइजर यूज़ करें, हैंड वॉश करें, मतलब साफ सफाई सफाई जितनी सफाई हम रखेंगे अपने अपनों की, अपने आस पास की, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि हम अगर सेफ हैं, हम बाहर जा रहे हैं, हम अगर सेफ हैं, तो हमारे घर के बाकी लोग भी सेफ रहेंगे। इवन जब भी हम बाहर जाते हैं, और अगर हम लेबर को भी लेके निकल रहे हैं, मेरी बेबी जिसका नाम होगा है, अगर हम उसको भी लेके बाहर निकलते हैं, तो हम इवन उस तक को हम मास्क लगाते हैं। भले मैं पूरा रोज उसका कंप्लीट नहीं ढाकती हूँ, मगर मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ कि थोड़ा कवर रहे। तो क्योंकि प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, मैं एक वेट वाइप्स जरूर रखती हूँ उसके बेबी बैग में, ताकि मैं समय समय पे उसके हैंड्स, अगर उसने किसी चीज़ को छू लिया है, तो मैं उसके वेट वाइप्स से उसके हाथ जरूर धो देती हूँ, मुँह खोल देती हूँ, और इस तरीके से मैं ध्यान रखती हूँ। जब हम घर आते हैं, अगर वो हमारे साथ नहीं है, घर आने के बाद उसके हाथ, पैर, चेहरा, इवन कपड़े भी मैं उसके चेंज कर देती हूँ। अभी भी मैं यहाँ आई हुई हूँ, तो अब कोरोना हर जगह बढ़ चुका है, यहाँ भी बढ़ गया है, मगर जो डेली नीड्स के जो सामान है, जो लेने के लिए जाना पड़ता है, तो उसके लिए तो आपको भी जाना ही है। तो मैं तो इसी तरीके से प्रिकॉशन लेती हूँ, और भी कैसे प्रिकॉशन लेते हैं, या कोई बात अगर मैं नहीं बता पाई हूँ, तो आप उसे ज़्यादा अच्छी तरीके से किसी चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। अक्सर हमें गवर्नमेंट से शिकायत होती है कि लॉकडाउन लग गया, नाइट कर्फ्यू लग गया, अब घर से बाहर ज़रूरत का सामान नहीं ले पाएंगे। तो देखिए, गवर्नमेंट को लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत अगर पड़ती है, कर्फ्यू लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमारी लापरवाही की वजह से, जबकि
केसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो गवर्नमेंट के पास में कोई चारा नहीं है लोगों को सेफ रखने के लिए। तो ये तो हमारी भलाई के लिए है, हमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि हमें अगर गवर्नमेंट ने कोई गाइडलाइन जारी की है और अगर बोला गया है कि आपको मास्क वगैरह या सैनिटाइजर यूज़ करना है तो बस हमें ये दो चीज़ें ही करनी है। लास्ट में बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हम बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी एक आपदा है जो हमारे देश दुनिया में आई हुई है। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि इससे हमें डरना नहीं है, हमें लड़ना है और जीतना है। तो इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि हमें प्रिकॉशन लेना है, हमको हमारे अपनों के को और अपनों के लिए हमको हम सबको प्रिकॉशन लेना है और सबको सही सलामत चाहिए और सब हम सब मिलकर इस पैंडमिक टाइम से इस कोरोना से कोविड से हम लड़ें। चलिए फिर।